बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर उपस्थित हूँ आपके सामने आपको हिंदी पढ़ाने के लिए। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारे पार्ट आठ, जिसका नाम है पर्वतों की रानी मसूरी। और इसके मौखिक क्वेश्चन आंसर हम पहले कर चुके हैं, एक बार मैं आपको पहले इसके रिवीजन करा देती हूँ, उसके बाद हम इस चैप्टर के लिखित क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ओके बच्चों, देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मसूरी को क्या नाम दिया गया है? मसूरी को क्या नाम दिया गया है? मसूरी को पर्वतों की रानी का नाम दिया गया है। ओके बच्चों, नेक्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन है बच्चों हमारा, मसूरी भारत के किस राज्य में है? मसूरी भारत के उत्तराखंड राज्य में। कौन से राज्य में है? उत्तराखंड राज्य में। नेक्स्ट है बच्चों, लेखक ने दिल्ली से मसूरी की यात्रा किन किन वाहनों से की, यानी किन किन व्हीकल में बैठकर उन्होंने मसूरी तक पहुंचने का रास्ता तय किया। लेखक ने दिल्ली से मसूरी की यात्रा ट्रेन और टैक्सी से की, यानी दिल्ली से देहरादून की जो यात्रा की थी वो ट्रेन में की थी। और कौन सी ट्रेन में की थी? कौन सी में? वेरी गुड, देहरादून एक्सप्रेस ट्रेन में उन्होंने यात्रा की थी। और उसके बाद देहरादून पहुंचने के बाद मसूरी तक का रास्ता उन्होंने टैक्सी से तय किया। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, ट्रॉली किस मार्ग से चलती है? ट्रॉली किस मार्ग से चलती है बेटा? ट्रॉली रज्जू मार्ग से चलती है। रज्जू मार्ग, रज्जू का मतलब होता है रस्सी, रस्सी के मार्ग यानी रास्ते से चलती है। एक रस्सी बांध दी जाती है और उसमें एक हुक लगाया जाता है जिसमें ट्रॉली फिट होती है, और उससे ट्रॉली एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है। ठीक है, तो कौन से मार्ग से चलती है? ट्रॉली रज्जू मार्ग से चलती है। ओके बच्चों, आइए आप देखते हैं इसके लिखित क्वेश्चन आंसर। देखिए बच्चों, हमारा लिखित का फर्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने मसूरी के माल रोड पर क्या देखा था बच्चों? कौन सा बाजार क्या देखा? लाइब्रेरी बाजार देखा था ना। वेरी गुड, राइट आंसर। लेखक ने मसूरी के माल रोड पर लाइब्रेरी बाजार देखा। कौन सा बाजार देखा? लाइब्रेरी बाजार। वो बाजार नहीं होता बेटा, बाजार होता है, जे होता है। लाइब्रेरी बाजार देखा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है बच्चों हमारा, कैंपटी फॉल का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। कैंपटी फॉल का वर्णन, कैंपटी फॉल का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। अपने शब्दों में कीजिए, कीजिए। अब देखिए बेटा, हमें पता है कैंपटी फॉल क्या है। कैंपटी फॉल पर क्या था बेटा? कैंपटी फॉल एक झरना है ना। कैंपटी फॉल, कैंपटी फॉल एक खूबसूरत झरना है। मैं मार्कर चेंज कर लेती हूँ बेटा, ठीक है। कैंपटी फॉल एक खूबसूरत झरना है जो पहाड़ों से निकलकर नीचे की ओर बहता है। ठीक है,
है बेटा, वहां झरने पर, वहां पर झरने में या झरने के नीचे, झरने में लिख लेते हैं, ठीक है। वहां पर झरने में लोगों के नहाने की भी व्यवस्था है ना बच्चों, लोगों के नहाने की भी व्यवस्था है, की भी व्यवस्था है, यानी प्रबंध किया गया है कि वहां लोग नहा भी सकते हैं, ठीक है, व्यवस्था है, हम इतना ही लिखेंगे, ठीक है। केम्पटी फॉल एक खूबसूरत झरना है जो पहाड़ों से निकलकर नीचे की ओर बहता है। वहां पर झरने में लोगों के नहाने की भी व्यवस्था है, ठीक है, लोग नहाते भी हैं। और हमने चैप्टर में रीड भी किया था ना कि वहां लोगों के कपड़े चेंज करने की, यानी कपड़े बदलने के लिए गुसलखाने भी बनाए गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों हमारा, लेखक ने ट्रॉली की यात्रा में कैसा महसूस किया, यानी उन्हें कैसा फील हुआ जब उन्होंने ट्रॉली की जब यात्रा की थी तो उन्हें कैसा फील हुआ था, अच्छा ना, और कैसा लग रहा था उन्हें, ये लग रहा था कि वो हवा में ही झूल रहे हैं, ठीक है। लेखक ने ट्रॉली की यात्रा में बहुत अच्छा महसूस किया और उन्हें ये लगा कि मानो वो हवा में झूल रहे हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, 4 है सॉरी। लेखक ने मसूरी की यात्रा को अविस्मरणीय क्यों कहा? लेखक ने मसूरी की यात्रा को अविस्मरणीय क्यों कहा बेटा? अविस्मरणीय का मतलब होता है बेटा कभी न भूलने वाला। अब लेखक ने क्यों कहा कि मसूरी की यात्रा उन्हें ऐसी लगी कि मानो वो इस यात्रा को कभी नहीं भूल पाएंगे, क्यों कहा? देखिए, लेखक ने इस यात्रा को अविस्मरणीय इसलिए कहा क्योंकि क्योंकि बच्चों देखो, एक तो लेखक पहली बार वहां घूमने गए थे, तो वहां जो घूमने का जो उनका अनुभव था, जो एक्सपीरियंस था, वो बिल्कुल नया था, ठीक है। तो हम लिखेंगे, लेखक ने इस यात्रा को अविस्मरणीय इसलिए कहा क्योंकि यह अनुभव उनके लिए एकदम नया था, यानी वो पहले नहीं गए थे ना कभी घूमने के लिए, फर्स्ट टाइम गए थे, उनके लिए एकदम नया था,
मसूरी की सुंदरता उन्हें बहुत अच्छी लग रही थी और उन्हें मसूरी की जो सुंदरता थी मसूरी की सुंदरता सुंदरता बहुत अच्छी लग रही थी। देखिए बच्चों एक बार मैं आपका इसमें रिवीजन करा देती हूँ। हमारे इसमें 4 ही क्वेश्चन आंसर थे। लेखक ने मसूरी को मसूरी के माल रोड पर क्या देखा? क्या देखा था बच्चों? लेखक ने मसूरी के माल रोड पर लाइब्रेरी बाजार देखा। वहां लाइब्रेरी बाजार ही था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कैंपटी फॉल का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। अब हमें बताना है कि कैंपटी फॉल दिखने में कैसा लगता था, क्या था कैंपटी फॉल के अंदर। कैंपटी फॉल एक खूबसूरत झरना है, यानी कैंपटी फॉल जो नाम है वो क्या है, क्या है वहां देखने लायक। कैंपटी फॉल एक झरने का नाम है, वहां एक खूबसूरत झरना है। कैंपटी फॉल एक खूबसूरत झरना है जो पहाड़ों से निकलकर नीचे की ओर बहता है, यानी पहाड़ों के बीच में से निकलता हुआ नीचे की ओर, यानी पहाड़ों से ऊपर से ऊंचाई से नीचे की ओर गिरता है, और जब नीचे से ऊपर से नीचे की ओर गिरता है तो उसे हम झरना कहते हैं। यहाँ जो पहाड़ों से निकलकर नीचे की ओर ये झरना बहता है, वहां पर झरने में लोगों के नहाने की व्यवस्था भी है बेटा। कई झरने ऐसे होते हैं जो सिर्फ देखने लायक होते हैं, यानी हम उसमें घूम सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं, लेकिन उनमें नहाने की व्यवस्था नहीं होती। लेकिन कैंपटी फॉल जो है वो एक बहुत सुंदर झरना है, पहाड़ों के बीच में से निकलकर बहता है, और वहां लोगों के नहाने की व्यवस्था भी की गई है, और यहाँ तक कि लोगों के कपड़े चेंज करने की भी व्यवस्था की गई है, और गुसलखाने वहां बनाए गए हैं। गुसलखाने इन द सेंस जहां हम कपड़े चेंज करते हैं, चेंजिंग रूम जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, लेखक ने ट्रॉली की यात्रा में कैसा महसूस किया, यानी कैसा फील किया उन्होंने, कैसा फील हुआ महसूस किया उन्होंने। लेखक ने ट्रॉली की यात्रा में बहुत अच्छा महसूस किया और उन्हें ये लगा कि मानो वो हवा में झूल रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा था कि मानो वो हवा में झूल रहे हैं, आसमान ऊपर है धरती नीचे है और बीच में, यानी वो हवा में झूल रहे हैं। ठीक है, लेखक ने मसूरी की यात्रा को अविस्मरणीय क्यों कहा? अविस्मरणीय का मतलब होता है बेटा कभी न भूलने वाला। इस यात्रा को लेखक ने कभी न भूलने वाला इसलिए कहा क्योंकि एक तो वो फर्स्ट टाइम वहां गए थे और उन्होंने जो वहां की खूबसूरती देखी थी वो खूबसूरती उन्होंने आज से पहले कहीं नहीं देखी थी, उन्होंने इससे सुंदर जगह कहीं नहीं देखी थी, और यहाँ जो घूमने का जो एक्सपीरियंस था, जो अनुभव था, वो एकदम उनका नया था। देखिए लेखक ने इस यात्रा को अविस्मरणीय इसलिए कहा क्योंकि यह अनुभव उनके लिए एकदम नया था, क्योंकि यहाँ वो फर्स्ट टाइम घूमने गए थे और उन्हें मसूरी की सुंदरता बहुत अच्छी लग रही थी। उन्होंने जब यहाँ घूम के इसका नजारा किया, इसे घूमकर देखा, तब उन्हें ऐसा लगा कि ये जो सुंदरता है दूसरी जगह में इतनी सुंदरता नहीं है, ये सुंदरता बहुत बहुत खूब है अपने आप में। अपने आप में दूसरों से कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ की जो सुंदरता है वो सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो लेखक ने इस यात्रा को अविस्मरणीय इसलिए कहा क्योंकि यह अनुभव उनके लिए एकदम नया था और उन्हें मसूरी की सुंदरता बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी। ठीक है, इसी के साथ हमारे मौखिक क्वेश्चन आंसर, लिखित क्वेश्चन आंसर बच्चों कंप्लीट हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।